दिखेगा नहीं, एहसास होता है। जैसे ये एहसास होता है, देखिए खुशी क्या है, एक एहसास है। आप कहीं देखते तो हो नहीं, खुशी आ गई, एहसास है। प्रेम क्या है, एहसास है। तो जब हम किसी को प्यार करते हैं तो किसको दिखता है? हम दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो तीसरे को कहां पता चलता है? केवल अपना अपना एहसास है। जिसको देखा उसके प्रति संवेदना आ गई, उसने मुझको देखा उसके प्रति धड़कन बढ़ गई। ये एहसास परमात्मा को पाने के बाद बढ़ जाता है, वह वास्तविक होता है। वास्तविक प्रेम के लिए ही हम लोग भटक रहे हैं और हम बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं। इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये भी कर लेता, वो भी कर लेता। अगर आपने अपने को प्रेम कर लिया, कोई अभाव नहीं महसूस होगा, है ना? तो कहां पे ये अभाव है? वो है हृदय में। आपके बाई तरफ ना जो हृदय का स्थान है, लप टप लप टप लप टप करता हुआ, यहीं पे शिवत्व है, यहीं पे शिव बैठे हैं। और शिव कौन? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला कौन? वो आत्मा। आत्मा शिव है और शिव ही हमारे इस शरीर को देख रहे हैं, पर अंदर बैठे हैं। इसलिए कहते हैं भक्तों, बाहर बाहर कितना पढ़ोगे, बाहर बाहर कितना करोगे, नहीं मिलेगा पूरा। उसके लिए अब अंदर उतरना पड़ेगा। अंदर में जाके जब अंतर योग ले लोगे, तब भी तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आएगी, खुशी आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ये हृदय में कुंडली शक्ति हृदय से मिलती है, शिव शक्ति का योग बनता है, हमारे अंदर पूर्णता आती है, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, हमारी बहुत सी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो छोटे छोटे बच्चों में आज बनती है, सब खत्म हो जाएंगे, सब, ये बिना बिना डॉक्टर के चलेंगे। लेकिन उसके अंदर में जानना पड़ेगा हमको क्यों हुआ है और कैसे माता रानी की कृपा से दूर हो जाएगा। करते करते हम लोग को कहां जाना है? ऊपर उठ करके जहां लोग टीका लगाते हैं ना, आप देख लीजिए, आपका सूर्य नाड़ी और आपकी चंद्रमा की नाड़ी यहीं आके मिल रही है। ये पूरा विज्ञान है। जैसे ही हम लोग यहाँ टीका पर आते हैं, हम लोग दो तरफ घूम रहे होते हैं। ध्यान देने की बात है, या तो हम लोग भूतकाल में हैं, यानी जो बीत गया है। अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, अभी भी या तो हम लोग भूतकाल में हैं या हम भविष्य के प्रति चिंतित हैं। पता नहीं घर में आगे क्या होगा, या टाइम नहीं लग जाएगा तो क्या होगा, ऐसा है वैसा है, या जो आप नहीं करके आए हो वहां दिमाग चला गया होगा, अभी ये छूटा। हम मनुष्य हैं, स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही हम योगी बनते हैं, हम थोड़ी देर के लिए इनको हटा देते हैं। आप अभी अगर योग में बैठे होंगे ना, तो आप विश्वास कीजिए, आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप वर्तमान में नहीं होंगे तो आधी आधी बात आ रही होगी, थोड़ी 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 थोड़ी, पता नहीं क्या बोल रही है, है ना? क्लास में टीचर क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। वो ध्यान क्या है? यही वो ध्यान है, ये वो ध्यान है जो अंदर लगाना है। अब तक हमारा ध्यान बाहर की बातों में था, उसने क्या किया, कैसे किया, वो अच्छा नहीं, वो बुरा है, हमारा ध्यान सब बाहर की तरफ है। जैसे ही हमने अपने अंदर की ओर ध्यान किया, आपकी आज्ञा खुल जाएगी। और जैसे ही आज्ञा खुलेगी, आपको तीसरा नेत्र मिल जाएगा, तीसरा नेत्र मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? शिव जी ने खोला था ना, इसीलिए खोला था आपको दिखे। देखिए शिव जी के पास त्रिनेत्र है, ठीक है, तब कहते भगवान आपके पास है। भगवान ने कहा मैंने तुमको अपनी तरह बना दिया, अब कितना अच्छा बना दूं बताओ। आपको इतनी शक्ति दे दी, अब कितना शक्ति डालो तुम्हारे भीतर। एक घड़े में उसके उसके बराबर ही तो पानी डालेंगे ना, वो उतना ही तो हवा होगी, उतना ही तो सब कुछ होगा, कितना डाल देंगे। लेकिन कोई चीज छोड़ी नहीं गई, ये जान लीजिए। तो त्रिनेत्र भी आपके पास है, यही वो चक्र है। जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके आज्ञा पे आती है, ये जान लीजिए कि आपका ध्यान लग जाएगा। और ये मेरा विश्वास है कि अब तक जितने भी हमने सत्संगति करी थी, यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे ध्यान लगाओ, सुना था, ध्यान लगता नहीं था, लगता ही नहीं है। ध्यान का मतलब क्या होता है? जब विचार नहीं हो, क्या संभव है? सच में बताइए ईमानदारी से, संभव है विचार रुक जाए, ऐसा संभव है? हाँ, यहां पे संभव है। और जैसे ही विचार रुक गया, आप योग में चले गए। अब देखना यह है कि कितने क्षण रुका, एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, चार क्षण, पांच मिनट, दो मिनट, कितने मिनट रुका। जो रुका वही आपका है। इस मनुष्य आत्मा के साथ जुड़ता है,
वो एकदम निर्विचार हो जाता है, वही योगी है। और उसी का तीसरा नेत्र खुला और वो पूरा का पूरा देख सकता है, सब देख सकता है, किसके भीतर क्या चल रहा है, कौन कहाँ पे आकर के बैठा है। अब क्या होगा कि जो उलझना चाहेगा आप वहां उलझोगे नहीं, आप वहां से धीरे सरक जाओगे। अगर कोई परिवार में भी उलझन होगी ना तो आप कहोगे हम परिवार छोड़ के तो नहीं भाग सकते, आप भागिए मत, भीतर में चले आइए, बाहर छोड़ दीजिए, बाहर चलने दीजिए जो चल रहा है, आप भीतर की तरफ दौड़ जाएंगे, आप देखिएगा आपके वो क्लेश धीरे धीरे हट जाएंगे। एक समय आएगा जब आपको आपका जवाब बहुत सुंदरता के साथ प्रभु दे देंगे। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, बस इतना ही योग है, इसी योग से हम मनुष्य पार हो जाएंगे। और जैसे माज्ञा चक्र से पार होंगे ना, जहां से आप आए हो ये रास्ता आत्मा का है, ठीक है, आत्मा की प्रविष्टि यहां से होती है। तभी देखिए ना बच्चे का तालू कोमल होता है, तेल रखते हैं उसमें थप थप करते हैं, हमेशा गीला रखते हैं, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं महीनों महीनों तेल नहीं लगता, हफ्तों हफ्तों तेल नहीं लगता, लगना चाहिए, ठीक है। तेल लगते रहने से हमारा ये वाला भाग कोमल हो जाता है, और जब योग मिल जाता है ना, कुंडलिनी शक्ति जैसे ही अंदर से नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आती है, यहीं से उनको बाहर जाना है, उनका रास्ता ही यही है। पर जो मनुष्य लालची हो गया, कामी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अवगुणों में चला गया ना, उनकी कुंडली नीचे से जम जाती है, वो हिल नहीं पाती। अब उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, कब लेना पड़ेगा पता नहीं, वो यहाँ अटका है कि वहां अटका है कि इधर उधर टोड़ रहा है, कौन जानता है। क्या लगता है हम स्वर्ग में चले जाएंगे? नहीं, बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारी तड़पने हैं जिनमें हमको तड़पना होता है। जैसे ही हम अपनी कुंडली माँ को यहाँ पर ले आएंगे, और यहाँ से ये जो वातावरण है, ये जो आकाश है।